Hello, good morning friends. How are you today? I hope all of you are fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में कि क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा होल ब्लड क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, होल ब्लड को हम डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं जैसे कि रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोपुअर प्लाज्मा एक्सेट्रा। तो आज का टॉपिक है क्रायोप्रेसिपिटेट, ये भी एक ब्लड कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके ट्रांसफ्यूजन इंडिकेशंस क्या होते हैं, किस डोज में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, किस तरह से ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस क्या होती हैं और इसके ट्रांसफ्यूजन से क्या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा हम जानते हैं कि कोई भी सभी जब हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो कुछ कभी कभी वेरी ओकेजनली हमें कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट नोटिस होते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे क्रायोप्रेसिपिटेट के प्रिपरेशन के बारे में कि क्रायोप्रेसिपिटेट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं 450 ml, उसके बाद हम उसे 6 आवर्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो प्लाज्मा नाम का कंपोनेंट होता है फिर हमें उसे ब्लास्ट फ्रीजर में रख देना चाहिए। वहां पर ब्लास्ट फ्रीजर में रखकर उसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जब वो जो प्लाज्मा है फ्रोजन हो जाए तो उसको बाहर निकाल के उसको कंट्रोल थॉ करना चाहिए। कंट्रोल थॉ करने के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है, 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसका कंट्रोल थॉ करते हैं 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हम एट द एंड ऑफ थॉइंग ये नोटिस करते हैं कि वहां कुछ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो कि फैक्टर 8 से रिच होते हैं। तो इस तरह से क्रायोप्रेसिपिटेट को प्रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि क्रायोप्रेसिपिटेट में कौन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उसमें क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या क्या होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट इज रिच इन फैक्टर 8, वॉन ब्लिब्रांड फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फैक्टर 13 एंड फाइब्रोनेक्टिन। तो इतने सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है क्रायोप्रेसिपिटेट में। क्या क्या होता है, फैक्टर 13, वॉन ब्लिब्रांड फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फैक्टर 13 एंड फाइब्रोनेक्टिन। अब मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर 8 कितनी क्वांटिटी में होता है एक यूनिट में। क्रायोप्रेसिपिटेट की जो एक यूनिट होती है वो 15 to 20 ml की होती है और एक यूनिट में फैक्टर 8 होता है 18 to 100 इंटरनेशनल यूनिट और फाइब्रिनोजन होता है 150 to 300 mg/pack और एक पैक में 15 to 20 ml ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। फिर से मैं बताऊंगा, एक पैक क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 होता है 80 to 100 इंटरनेशनल यूनिट और फाइब्रिनोजन होता है 150 to 300 mg/pack। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ लाइफ। क्रायोप्रेसिपिटेट की सेल्फ लाइफ क्या होती है। अगर क्रायोप्रेसिपिटेट को -30 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए तो इसकी सेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर। यूजुअली क्रायोप्रेसिपिटेट को -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके 1 साल के लिए स्टोर किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेशन ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट। तो पहला इंडिकेशन है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी जो कि हीमोफिलिया ए, वॉन ब्लिब्रांड डिसीज, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, सीवियर लिवर डिसीजेस, फाइब्रिनोजन डिफेक्ट एंड फाइब्रोनेक्टिन डिफिशिएंसी। तो ये थे इंडिकेशन फॉर क्रायोप्रेसिपिटेट। फ्रेंड्स, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि क्रायोप्रेसिपिटेट के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया ए, वॉन ब्लिब्रांड डिसीज, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, सीवियर लिवर डिसऑर्डर्स,
फाइब्रिनोजन डिफेक्ट एंड फाइब्रोनेक्टिन डेफिशिएंसी। तो ये थे क्रायोप्रेसिपिटेट के इंडिकेशंस। अब हम सीखेंगे कि क्रायोप्रेसिपिटेट को किस डोज में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो क्रायोप्रेसिपिटेट का डोज होता है 1 यूनिट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट पर 6 kg बॉडी वेट। मींस अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है तो उसका डोज हुआ 10 यूनिट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट। अब किस तरह से ट्रांसफ्यूज किया जाना चाहिए क्रायोप्रेसिपिटेट को, उसे मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि जो क्रायोप्रेसिपिटेट का यूनिट होता है वो यूजुअली -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर होता है। तो क्रायोप्रेसिपिटेट का यूनिट लेंगे और उसे हम थॉ करेंगे और थॉ करने के 4 आवर के अंदर ट्रांसफ्यूज करेंगे। और जैसे ही थॉ हो जाता है, जितना जल्दी हो उसे ट्रांसफ्यूज करिए, इवन 4 आवर्स का भी वेट मत कीजिए, लेकिन 4 आवर्स के अंदर तो उसे ट्रांसफ्यूज करना ही चाहिए। फिल्टर का यूज करना चाहिए, अगर हो सके तो एबीओ कॉम्पेटेबल देना चाहिए, और अगर एबीओ कॉम्पेटेबल नहीं है तो आप दूसरे भी दे सकते हैं। और इसके लिए कॉम्पेटेबिलिटी टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, प्रेफरेबली आप इसे एबीओ कॉम्पेटेबल ही दीजिए। कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट नोटिस किए जाते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन से, वो है नॉन हिमोलिटिक फेवराइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट फैक्टर 8। तो ये कभी कभी नोटिस किए जाने वाले एडवर्स इफेक्ट हैं ड्यूरिंग क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसे प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर रूपम लेक्चर, प्लीज गो थ्रू इट। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट टाइम।